अस्ते उपयुक्त चेतनार्थे शब्द प्रयोगात। अब सिद्धांत जवाब देता है। एक देशी और पूर्व पक्षी का वाद विचार समाप्त हुआ। आप तो भी लोक के भीतर में हैं। जब उसने कहा एक देशी ने, तो पूर्व पक्षी ने जवाब दिया, हाँ हम लोक के भीतर ही, तो लोक नहीं है, पावरों में हमारी गिनती मत कर। अभी तो हमने क्या किया, केवल हमने पदार्थ स्वरूप पदार्थ का लोक के समान अर्थावगति के लिए हम शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। यहां हम जो शब्द स्वरूप मात्र सिद्ध कर रहे हैं, हम लोक में और हम में अंतर इतना ही है। हम सभी अप्रयुक्त शब्दों को भले हम सिद्ध कर देते हैं, है ना, और भले उनका प्रयोग ना करें, वे गलत बात है। लेकिन दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, अन्यार्थ प्रयोग कर दे रहे हैं, गलत कर रहे हैं। इसे कहते हैं अस्थ्य प्रयुक्त इति चेत नार्थे शब्द प्रयोगात। यदि कहते हो अप्रयुक्त होते हुए अस्थि कहना दोष है, यदि ऐसे कहते हो तन न, ऐसा मत कहो, अप्रयुक्त है फिर भी है। ऐसे भी साधु शब्द होते हैं जिनका कभी कोई प्रयोग ही नहीं करता है, इतने मार से अप्रमाणिक नहीं हुआ, और अप्रयोग होने मार से वो असाधु नहीं होता। ये सिद्ध करने के लिए शास्त्रार्थ आरंभ किया है। आप कोई शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे इसलिए वो अप्रमाणिक थोड़ी हो जाएगा, व्याकरण अप्रमाणिक हो जाएगा, व्याकरण तो बना देगा, आप प्रयोग कीजिए न कीजिए। जैसे भोजन बना दिया है, जिसकी मर्जी अपना रसोई है, अपना बना दिया, चार छः आइटम जो भी बनाना है उसके मन में आए बनाए, आप खाइए ना खाइए आपकी मर्जी, सब खाने ही पड़े, कोई नियम नहीं। तदत यहाँ पर भी कहते हैं हमने शब्दों को बना दिया, सबका प्रयोग करो ना करो, आपके ना प्रयोग करने से हमारे द्वारा सिद्ध किया शब्द अप्रमाणिक नहीं हो जाता, अरे व्याकरण अप्रमाणिक नहीं है। पूर्व पक्ष का यही कहना था अप्रयुक्त शब्दों का भी अपने है करके स्वीकार करोगे फिर तो आपका व्याकरण अप्रमाणिक हो जाएगा, कि प्रयोग से ही प्रामाणिकता मान रहा है। उसे कहना था ऐसी बात नहीं थी, न ऐसा मत कहो, नार्थे शब्द प्रयोगात, न इसे न अलग कर दो, अर्थे शब्द प्रयोगात कर दिया। अर्थे शब्द अर्थ में ही शब्दों का प्रयोग हुआ है, बिना अर्थ का हम कोई शब्द का सिद्धि नहीं कर रहे, और अर्थों में शब्द का प्रयोग होता ही है। भले आप प्रयोग करें ना करें, लेकिन अर्थों के लिए ही हमने शब्दों का प्रतिपादन किया है, सिद्ध की है, किसी ने किसी अर्थ को बताने के लिए शब्द का प्रयोग हुआ है। हमने व्युत्पत्ति से जो सिद्ध किया, प्रकृत प्रत्यय लगा करके, या प्रादेशिक विधि के निपातन से भी सिद्ध किया होगा, लेकिन उसका अर्थ जरूर है। और यद्यपि जहां कहीं बोला जाता है स्तोभाक्षर अनर्थक है, वो उस प्रकरण में उस अक्षर का अर्थ नहीं है, उतना उसका तात्पर्य ये नहीं, उसका अर्थ ही नहीं होता कहीं। अरे अन्यत्र उसी शब्द का अर्थ है, जैसे च को आप देखते हैं कई जगह लिख दिया चकार जो है यहाँ पर प्रयोग किया, कोई अर्थ नहीं श्लोक में उसका, श्लोक में प्रयोग होता नहीं चा, वो क्या है संख्या पूर्ति करने के लिए छंद का, अब 16 अक्षर चाहिए, जो बात बता रहे 15 अक्षर से हो गया, अब एक से घट रहा है क्या करे, वो इधर उधर कहीं चौर देंगे, छ समुच्चय अर्थ में नहीं है, अनवाच्य अर्थ में भी नहीं है, किसी अर्थ में नहीं होता वहाँ, उस श्लोक के उस प्रसंग के अनुसार च का भले अर्थ नहीं है, इसका अर्थ यानी कि च का कहीं अर्थ ही नहीं होता, अरे अन्यत्र अर्थ है उसका, कहीं समुच्चय कर्म में अन्वय अर्थ होता है, कहीं अनवाच्य के लिए प्रयोग होता है, कहीं इतरेतर योग में होता है, कहीं समाहार के लिए प्रयोग हो जाता है। इसलिए अनेक अर्थ होते हैं किसी प्रसंग में, किसी शब्द का या किसी अक्षर के किसी वर्ण के अर्थ नहीं है, स्तोभाक्षर इसलिए क्या का लक्षण है सूत्र के भी अस्तोभम मनवद्यंच, स्तोभ नहीं है यहाँ, निरर्थक कोई अक्षर नहीं है कह दिया, सूत्र में तो कभी कोई अर्थ रहित अक्षर प्रयोग नहीं होता, श्लोकों में प्रयोग हो सकता है, मंत्रों में प्रयोग होता है, छांदे को गिना भी दिया 13 प्रकार के स्तोभाक्षर वेदों में प्रयुक्त है, और किस स्तोभाक्षर में क्या दृष्टि करने की उपासना ही बता दिया वहां पे, उसमें उपासना वर्णन किया है उपनिषद स्तोभाक्षरों के। इसलिए सर्वत्र हर एक शब्द निरर्थक तो अर्थ में ही प्रयुक्त है, हर एक शब्द बोल दिया अर्थे शब्द प्रयोगात।
अप्रयुक्त शब्दानाम साधुत्व बोधनार्थम शास्त्रम आवश्यकम। इसलिए सिद्ध क्या हुआ, अप्रयुक्त शब्द भले ही हो, इन शब्दों के साधुत्व का सिद्धि के लिए शास्त्र तो अत्यंत आवश्यक है। इसे न तस्य नियामकत्व इति उच्यते है, इसे शास्त्र नियामक नहीं होता है कि साधुत्व की सिद्धि के लिए विधि पर के मानना पड़ता है। व्याकरण शास्त्र नियम शास्त्र नहीं है, विधि शास्त्र है। उस विधि में जहां जरूरत है वहां पाक्षिक नियम बना लिया, बात अलग है। बिना मूल विधि का नियम विधि नहीं हो सकता है। अपूर्व विधि के अनंतर नियम विधि आता है, अपूर्व विधि के बिना नियम विधि नहीं बनेगा। जो पहला बताया कि ये नियम और विधि मतलब है। कुछ लोगों ने कहा ना व्याकरण पूरा का पूरा नियम विधि ही है। पहले विचार आया था ना शास्त्र में, कहा था नियम विधि मान लो पूरे व्याकरण को, किसी का परसंख्या मानो, लेकिन कोई अपूर्व विधि नहीं मानना चाहता। लेकिन हम कहते नहीं नहीं एक के स्थान में यण जो विधान किया है वो अपूर्व विधि है। फिर कहीं अन्यत्र यण को विकल्प किया वहां नियम विधि है, और जो यण का निषेध किया वो परिसंख्या विधि, इतर वर्जन कर दिया वहां पर। किसने किया व्याकरण में चार भेद, तीन भेद तो मीमांसा दर्शन में है ना, श्लोक कई बार सुना चुके हैं। विधिर अत्यंत प्राप्त नियम पाक्ष के सती तत्र जन्य दर्श पा तो प्रसंग के देखिए, तीन प्रकार की प्रमुख विधियां तो मीमांसा दर्शन में दृढ़ है और सकल वेद में लागू है। ये चीज पूरे वेद में लागू है, और इस समय आप वेदों के आधार पर ही विचार चल रहे हैं। लौकिकेशु वैदिकेशु कह दिया है और उसका अंग व्याकरण है, इसलिए वेद में जो नियम लग रहा है सारा व्यवस्था है वो भी अंग में भी लागू होगा। इसे यहाँ भी कुछ अपूर्व विधि मानना पड़ेगा, कुछ नियम विधि मानना पड़ेगा, कुछ प्रसंज्ञा माननी पड़ेगी। तब व्याकरण ने कहा प्रसंज्ञा को हम नियम विधि में अंतर्भाव कर देंगे, हम तो दो ही विधि मान लेंगे, अपूर्व और नियम, बस ये व्याकरण में पूर्व में कहा था। हम तो दो ही विधि मानेंगे कि प्रसंज्ञा में भी क्या है इतर निवर्तन और वर्जन वो बुद्धि है, नियम में भी क्या है एक को स्वीकार करने पर दूसरा जो प्राप्त का वर्जन तो हुआ ही है। सी इतर वर्जन तो नियम विधि में भी है प्रसंख्या में भी है। इतना अंतर आप करते हो नियम विधि लाभ करते पाक्षिक प्राप्ति है, और इन्हें तत्र से अन्यत्र उभय प्राप्ति है। उभय प्राप्ति में एक अंश को त्यागना एक अंश ग्रहण करना प्रसंख्या आपने कहा, और पाक्षिक प्राप्ति में अप्राप्त अंश को विधान करना प्राप्त को त्यागना, ये नियम विधि उन्होंने कहा। और हम कहते दोनों ही वास्तव में प्राप्त अप्राप्त उभयांश है ही है दोनों में, इसे नियम विधि में ही स्वीकार कर लो, प्रसंग अलग गिनने की जरूरत नहीं है। इसे दो विधि तो मानना ही पड़ेगा, अपूर्व विधि और नियम विधि। उसमें से पूछा अब व्याकरण में जो 4000 सूत्र है ये पूरे के पूरे के नियम परक ही है, कहते नहीं नहीं या कुछ अपूर्व परक भी मानने पड़ेंगे, क्यों अपूर्व को माने बिना नियम आ ही नहीं सकता। नियम क्या करता है, अपूर्व से कुछ विधान हुआ उस विधान पर विकल्प या निषेध को खड़ा करना, ये नियमन करना। आपने एक किसान में होगा आज के पर्वते सर्वत्र सामान्य नियम हो गया ना, सामान्य विधि अपूर्व विधि को कह दिया, इसीलिए फिर कहने एक किसान में नहीं होगा प्रकृत भाव हो जाएगा, ह्रस्व समुचित प्रकृत भाव कर दिया, इको असवर्णे शाकल सरस्वस्थन कब अच्छ में सिर्फ असवर्ण अच्छा रहेगा, तो असवर्ण अच्छ में तो दीर्घ है, अरे सवर्ण अच्छा और असवर्ण से भिन्न के परत में काम करेगा क्या। इसे जहां दीर्घ प्राप्त नहीं है अकसवर्ण दीर्घ से, उससे भिन्न को लेना पड़ेगा, एक एंच का विषय। और जहां प्रकृति हर्षो प्रकृति प्राप्त नहीं है वहां पर लागू करना पड़ेगा, इसलिए हर्ष शब्द प्रदा ने क्या कर दिया विकल्प, शाकल्य के मत में होगा चक्रियत्र चक्रियत्र दृष्टान दिया ना वहां पर, एक पक्ष में यण भी करेंगे और एक पक्ष में प्रकृत हो जाए। ये जो व्यवस्थाएं दी गई है पाणिनि के द्वारा अपूर्व विधि पहले, इसे हमेशा ने क्या किया उत्सर्ग को क्या है वहां पर भाष्य के पंचमा वाक्य में आता है ना, उत्सर्गो प्रथमतः विधीयते, ऐसे कुछ है, ततो अपवादो अभिनिविशते,
कोई शब्दावल एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, भाषा याद नहीं आ रही हमें, उन्होंने ये कहा कि पहले उत्सर्ग सूत्रों को ही बनाया, उसके बाद में ही अपवादों का प्रवेश किया है। सामान्य पांच विशेष वाक्य महावाचक पंच महावाक्य कहा जाता है, लेकिन एक जगह छोड़ के एक जगह अपवाद को पहले ले लिया, इट के विषय में नेटी पहले आया, बाद में सामान्य विधि आया, निषेध पहले लिया और बाद में उत्सर्ग को रखा है। ऐसे कुछ है ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को, सबसे पहले उत्सर्ग को करते हैं, बाद में अपवादों का निवेश होता है। उत्सर्ग क्या है, उसी का नाम अपूर्व विधि, जो उत्सर्ग विधिया, फिर जो उसका अपवाद करने का मतलब क्या, उसमें नियम विधि हो गई, ये व्यवस्था है। वो यहाँ पर कह रहे हैं इसे न तस नियामकत्व, व्याकरण को पूरा नियामक नहीं मानना, क्योंकि हम अप्रयुक्तों का भी साधुत्व सिद्धि के लिए उनमें भी अपूर्व विधि हम करते हैं, अजय शास्त्र सार्थक सिद्ध हो गया, अप्रयुक्त शब्दों की भी साधु सिद्धि में शास्त्र सार्थक हो गया, ये इनका कारण है। देखिए भाष्य, अस्ते प्रति चेत तन्ना किं कारण अर्थे शब्द प्रयोगात, अर्थे शब्द प्रयुच्यन्ते, अर्थ में शब्दों का प्रयोग होता है, संति च येषां शब्दानां अर्था येषु अर्थेषु प्रयुज्यन्ते, जिन शब्दों को जिन अर्थों में प्रयोग किया जा रहा है उन शब्दों को उन्हीं अर्थों में हम भी सिद्ध किए हुए हैं। जिन चार को अपने दिया था उषा तेरा है कि नहीं, और चक्र पेच, जिन अर्थों में आप प्रयोग कर रहे हैं लौकिक लोग कहा आपने, उसी अर्थ में हम भी यहाँ सिद्ध किए हुए इन शब्दों को, और उसी अर्थ में प्रयोग भी हो रहा है। प्रयोग नहीं है समत को दिखाएंगे वेद के मंत्र, जा उषा का प्रयोग हुआ है, जा चक्र का प्रयोग हुआ है, पर मध्यम पुरुष बहुवचन में इनका रूप बनते हैं, साधुत्व सिद्ध है, उनका प्रयोग भी हुआ है, इसलिए अप्रयुक्त मत कहो इनको, ये कहेंगे। पर तो जवाब दे रहे हैं अप्रयुक्त मान करके भी दोष नहीं, और यद्यपि ऐसा कोई शब्द नहीं जो अप्रयुक्त हो, सब प्रयुक्त है, ये सिद्ध करेंगे। इसलिए कहते हैं संति चेषाम शब्दानाम अर्थाः, इन शब्दों के अर्थ हैं ये शोर्तिश प्रयुज्यते, जिन अर्थों में प्रयोग किए जा रहे उन्हीं अर्थों में ये शब्द है, नहीं ऐसे मत कहो। प्रदीप, अर्थ सद्भाव शब्द सद्भाव लिंगा, क्योंकि अर्थ सद्भाव ही शब्द सद्भाव में लिंग है, यदि अर्थ सद्भाव नहीं है तो शब्द का प्रयोग ही नहीं करेंगे हम, अर्थ रहित शब्द का कोई मतलब नहीं, अर्थ रहित शब्द का प्रयोग हम कभी प्रयोग नहीं कर सकते, निरर्थक शब्द हम सिद्धि ही नहीं करते। कहने का तात्पर्य है व्याकरण से कभी कोई निरर्थक शब्द की सिद्धि ही नहीं हो सकती, हम जो शब्द सिद्ध कर रहे हैं सब सार्थक ही है। नहीं बिना शब्द न अर्थ प्रत्यानुपदित, यह किस आधार पर बोल रहा हूं, क्योंकि बिना शब्द का किस अर्थ का बोध ही नहीं करा सकते आप, इस हर एक अर्थ के लिए कोई ना कोई शब्द है। इसे बच्चा पूछता है ये क्या है, आपको कोई ना कोई शब्द प्रयोग करना पड़ेगा, वहां पर बताना पड़ेगा ये चीज है, ये नाम लेना पड़ता है कि नहीं शब्दे न बिना शब्दे न अर्थ प्रत्यानुपदे, अर्थ का बोध कराना संभव होगा, मैंने शब्द प्रयोग के बिना आप अर्थ का बोध भी नहीं करा सकते। इसे पहले कहा ना शब्द अर्थ संबंध सब नित्य है, अर्थ के बिना शब्द नहीं, शब्द के बिना अर्थ नहीं, नित्य संबंध है ये सब। इसे आप कहो अर्थ के बिना कोई शब्द है ये गलत है, या शब्द के बिना कोई अर्थ की अस्तित्व है ये भी गलत है। इसे दोनों का परस्पर नित्य संबंध होने के नाते ऐसा कोई शब्द नहीं जो बिना कोई अर्थ होगा, और ऐसा कोई अर्थ नहीं जिसके लिए कोई शब्द प्रयोग नहीं होता होगा। अपवादकांश का निराश करने के लिए कहते हैं अप्रयोग प्रयोगान्यत्वात्, यदि पूर्व पक्षी कहता है फिर भी बहुत सारे शब्द आप ऐसे सिद्ध करते हो जिनका हम प्रयोग करते ही नहीं है। इसे बता ना संस्कर्ता का आप एक स्वाट रूप बना देते कौन प्रयोग करेगा, जैसे दो दो विसर्ग दो दो अनुनासिक दो दो जो है अनुस्वार वगैरह बनाते ना संस्कर्ता का रूप बहुत सारे, न उच्चारण कोई कर पाता है न प्रयोग में होते हैं, इसलिए रूप तो बनता है बनाते हैं आप सूत्र लगा के वार्तिकों को लगा करके। कहते अप्रयोग यदि आप कहते भी हो
वह इसलिए है कि प्रयोग अन्यत्वात्, उसके जगह हम दूसरे का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे आज की भाषा में कहा शॉर्टकट प्रयोग करते हैं, हर आदमी चाहते शॉर्टकट चल जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। साधुत्व सिद्धि जिस प्रकार से की उसी शब्द का प्रयोग करना चाहिए। यदि भी जिन शब्दों का प्रयोग कह भी रहे हो, उन शब्दों के जगह पर दूसरे शब्द का, वो भी असाधु नहीं, साधु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जो सरल है उनका प्रयोग कर रहे हैं। जैसे व्रजति बोल रहे हैं, गच्छति बोल दे, गच्छति प्रसिद्ध है, अब व्रजति कौन जाने, गत्य तक एक दो धातु है क्या? एक महात्मा का स्वभाव बना हुआ था, बनारस हम लोग जब थे तब महात्मा करता है कि जो संस्कृत बोलता था ऐसे ऐसे धातु का रूप बोलता था जो आप कभी सुने ही नहीं, कि लघु और सिद्धांत को वगैरह जो रूप हम बना रहे हैं सभी धातु का रूप तो बनाते नहीं है ना, धातु पढ़ा दिए सिद्धांत को, सारे धातु हैं इन कौन रूप चला रहे उनका, इसके जैसे ये सब बस हो गया, इसलिए आपने बनाया ही नहीं है, एक बार भी उन रूपों को उच्चारण ही नहीं किया, तो आपको पता ही नहीं कि कहाँ का रूप है, कौन सी धातु का। वो ऐसा चीज़ें ढूंढ ढूंढ करके वाक्य बना के दिमाग फिट बिठा ले और जहाँ जाए धड़ाधड़ बोले, वो आप बोले तो लोग सुनते रह जाते, क्या बोल रहा है ये कौन सा धातु है, कैसे बना ये रूप, ऐसे अन्य प्रयोग किया ना, ये नहीं कि आप नहीं जानते उसको, आप प्रयोग नहीं कर रहे थे, आप जिन धातुओं का प्रयोग नहीं कर रहे हैं जिस अर्थ के लिए, उसी अर्थ के लिए जो दूसरे धातु है उनको प्रयोग करना है, इतना ही तो किया उसने, वही आप पर कर रहे हैं। अप्रयोग प्रयोग अन्यत्वात्, अप्रयोग खलु अपि येषां शब्दानां न्यायः, और इन शब्दों का यदि प्रयोग नहीं भी हो रहा है तो उचित भी है, इतने मात्र शब्द ही नहीं है, यह शब्द असाधु है ये मत कहो, प्रयोग नहीं हो रहे तो उचित, कोई बात नहीं। यहाँ खलु अपि दो दो अव्यय का प्रयोग किया भाष्यकार ने निपातों का, उसका अवधारण करने के लिए, न्याय ये वह इन शब्दों के लिए प्रयोग नहीं भी हो रहा है तो उचित ही है, ये वर्त अवधारण करने के लिए प्रयोग किया खलु अपि खुदा, अरे न्याय कैसे हो गया, साधु शब्द बन रहे हैं उनका प्रयोग नहीं कर रहे तो बड़ा गलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए उनका। कहते ऐसा मत कहो, प्रयोग अन्यत्वात्, यदि एतेषां शब्दानां अर्थे अन्यान् शब्दान् प्रयुञ्जते, इन शब्दों का जो अर्थ है उसी अर्थ को प्रकट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सरल करके दूसरे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, सरल हो जाए समझने में, आसान हो जाहे, इसलिए उसको तोड़ के बोलने चाहे, बोल रहा है आपने भाई गच्छत मेरे गमनम करोति, अब गच्छति बोलना आपने प्रयोग नहीं किया, और लेकिन उसके लिए दूसरा प्रयोग किया अपने गमनम करो दिए, यदि गौरव प्रयोग कर रहे हैं, आप एक गौरव भी उचित मानेंगे क्योंकि अगले को समझाना सरल है, आपका प्रयास के दूसरे को बोध कराना, दूसरे को अनायास बोध हो उसके लिए जितना सरल शब्द प्रयोग कर सकते प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए यदि जो कोई कठिन शब्द का प्रयोग नहीं किया उसके भी दूसरा सरल शब्द प्रयोग, वही अर्थ बोध कराना, कोई नया अर्थ नहीं कुछ नहीं बोल रहे, उसी अर्थ के लिए दूसरा शब्द प्रयोग कर दिया। यदि एतेषां शब्दानां अर्थे अन्यत् शब्दान् प्रयुज्यते तद्यथा, जैसे वर्तमान दृष्टांत में दीजिए, ऊषा के लिए क्या प्रयोग करेंगे आप, ऊष इति शब्दस्य अर्थे क्व इयम् उषिताः, ऐसे प्रयोग कर दिया, कृदंत का प्रयोग कर दिया, तिंगंत परोक्षष्ट मध्यम पुरुष एक वचन बहुवचन के लिए आपने क्या कर दिया, क्त प्रत्यय प्रयोग कर दिया या त्रिश प्रत्यय, कहते क्या, कहते क्व यूयम उषिताः, क्व ऊषे बोलना चाहिए तो क्व यूयम उषिताः बोल दिया, तेरा इत्यस्य अर्थे क्व यूयम तीर्णा एविक्ता प्रत्यंत, चक्र इत्यस्य अर्थे क्व यूयम कृतवंत कृतवान कृतवंतो कृतवंत, कहाँ गए क्तवतु है ना, क्तवतु गए कृतवान कृतवंतो कृतवंत, बना इस तरह से आपने प्रयोग करना कुछ था उसी अर्थ को रखा आपने, परोक्ष में ही होता है भूतकाल में ही होता है कता कता वतु, काल भी वही रखा लेकिन प्रत्यय अलग करके धातु भी वही रखते हुए प्रयोग कर दिया, वैसे प्रयोग अन्यत्वात् क्वयुम कृतवंतः, पेच इत्यस्य अर्थे क्वयुम पक्ववंतः, क्वयुम पक्ववंतः, इदं कतवतु प्रत्यय,
इतरो अन्यता सिद्धताम आह, इतरह कोई दूसरा, इतरा मैंने वादी और प्रतिवादी से भिन्न कोई तटस्थ पुरुष, वादी और प्रतिवादी से भिन्न तटस्थ पुरुष जो है अन्यता सिद्धताम आह, अन्यता भी सिद्ध बात कह रहा है, अन्य प्रकार से भी यही बात सिद्ध है। जिस अर्थ के लिए जो शब्द आप अब प्रयोग नहीं होता है कह रहे हो, उस शब्द के लिए लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये जो जवाब दिया जा रहा है मुख्य जवाब नहीं है, तटस्थ का जवाब है। मुख्य सिद्धांत ही बताएगा अप्रयुक्त है ही नहीं कोई भी शब्द, सब प्रयुक्त है। अब कहाँ प्रयुक्त है तुम ढूंढो, शास्त्र थोड़ा है क्या, इधर लंबा चौड़ा शास्त्र है, करोड़ों पुस्तक लिखा गया संस्कृत में, कहीं ना कहीं मिलेगा आपको शब्द प्रयोग। ऐसा नहीं कि कोई शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ है, अप्रयुक्त शब्द ही नहीं बोलेंगे मुख्य रूपेण, मुख्य सिद्धांत। इसे यहाँ पर प्रदीपकार का इतरो वादी प्रतिवेद से भिन्न यहाँ पर तटस्थ व्यक्ति जवाब दे रहा है, अप्रयुक्त होने पर कोई दोष नहीं है क्योंकि जो है उसके लिए हम दूसरी चीज का प्रयोग कर रहे हैं। ये तो अन्य एक तेषा मर्ता नाम संति वाचका, क्योंकि अन्य वाचका संति तेषा मर्ता नाम, उन्हीं अर्थों को प्रतिपादन करने वाले अन्य भी हमारे पास शब्द हैं। तिंगंत के लिए कृदंत का प्रयोग करेंगे, कृदंत के लिए तिंगंत का प्रयोग कर लो, अर्थ वही बना रहेगा, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। तो नैषाम अनुमानम उपपद्यते, इसलिए आप लोगों के द्वारा जो अनुमान जो किया गया है वो उपपन्न नहीं है। यद्यपि ऊषित से उषिता इति समानार्थ अनुभव, यद्यपि शत प्रतिशत समान हो नहीं सकता, भूतकाल में तब प्रत्यय है लेकिन वहां तो परोक्ष भूत व्यक्ता है, कता रहा है क्या, आपने ऊष जो बनाया है परोक्ष लिट लकार परोक्ष भूत में, लेकिन कता प्रत्यय जो आता है भूत सामान्य में, परोक्षता में तो आता नहीं, समानता कहाँ हुआ। कहते यद्यपि आपको कहना ठीक है ऊषित से ऊषिता समानार्थ न भवती परोक्षता आदेर विशेष से अनवगमान, परोक्षता आदि जो विशेषांश है भूत का विशेषण हो उसका अवगम हो नहीं रहा है, तथापि तत्प्रत्यायनाय पदांतर सहित प्रयुज्यते, तब क्या करेंगे उस परोक्षता आदि का बोध कराने के लिए ही हम एक और पद साथ जोड़ दिया, जैसे वायुयम जो साथ जोड़ रहे पदांतर वो परोक्षता का द्योतन करने के लिए, मैंने सामने रहते होंगे वाकुआ नहीं बोलेंगे कहाँ कहाँ का मतलब है मुझे, मैंने नहीं देखा था कहाँ थे, से मेरे लिए वो अपरोक्ष नहीं था ना, परोक्ष हो गया इसका मतलब, से क्वा शब्द के माध्यम से परोक्षता आदि का द्योतन हो जाता है, ये इनका कहना है। क्वायुयम इत्यादि पदांतरों से तो प्रयुज्यते अप्रयुक्त दीर्घ सत्रवत आ गया था, अप्रयुक्त में भी दोष नहीं फिर भी हम साधुशब्द बनाते रहेंगे, भले आप प्रयोग ना करो तो भी साधुशब्द का निर्माण करने में हमें कोई दोष नहीं है, अप्रयुक्त साधुशब्द की भी सिद्धि करने में दोष नहीं है। जैसे दृष्टांत दिया दीर्घ सत्रवत, जैसे ऐसे ही याग है जो सौ सौ साल करने का है, कौन करेगा, किसका आयु सौ साल नहीं, हजार साल करने का बोल दिया, फिर इसलिए साल का मतलब क्या, हजार साल किसकी आयु ही नहीं है, तब कहा कि वहां संवत्सर का अर्थ दिन अर्थ ले लेना, निर्णय दिया वेदों में संवत्सर मैंने दिन, मैंने एक हजार साल मैंने एक हजार दिन, एक हजार दिन का मतलब क्या होगा, साढ़े तीन साल, तीन सौ साठ साल है ना, तीन सौ साठ साल है, साढ़े तीन तीन साल में हो जाएगा, तीस इंटू तीन नौ सौ, तीन सौ इंटू तीन नौ सौ हो गया, और जो इधर साठ इंटू तीन एक सौ अस्सी, एक हजार से ऊपर हो जाता है तीन साल में, तो तीन साल में किया जाने वाला यज्ञ है वो भी कौन कर रहा है आजकल, यहाँ तो एक हफ्ता में केजल यज्ञ करने वाले नहीं मिल रहे हैं, सुबह हो शाम को खत्म हो जाए ऐसे चाहते सभी, दिन अर्थ किसने लगे है? वेद में ही वो अर्थ दिया, नीचे आ रहे हैं टाइम दे रहे हैं, नीचे आए टिप्पण में बताऊंगा, अभी आए जाएंगे उसमें टिप्पण में जाएंगे, मीमांसा दर्शन निर्णय है ना, ये सब निर्णय तो मीमांसा दर्शन करता है वेद के अर्थों का, तो इसे दीर्घ सत्र दिया कोई करने वाला ही नहीं, अश्वमेध यज्ञ आज कौन करेगा, राशु यज्ञ कौन करेगा, वे जो वेद पाठ करते हैं उनको मंत्र रटना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, भले आज करने कराने वाला कोई नहीं है फिर भी उस वेदांश को हम त्यागेंगे क्या, कि पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे ना, वेद जब पढ़ोगे शुक्ल यजुर्वेद से आप वेद पढ़ रहे हैं तो फिर पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, भले आप उस मंत्र का कहीं प्रयोग हो या ना हो,
इसमें जब व्याकरण पढ़ रहे हैं, साधु शब्द सिद्ध करने बैठे हैं, चाहे प्रयोग हो या ना हो, हमें तो सिद्ध करना पड़ेगा सारे साधु शब्द। इसे दीर्घ सत्रवत अप्रयुक्त्यपि व्याकरण प्रामाणिक है, ये सिद्ध हो गया। वे कहते हैं यद्यपि अप्रयुक्ता अवश्यम दीर्घ सत्रवत लक्षणेन अनुविधेयः, यद्यपि प्रयुक्त ना भी हो फिर भी लक्षणेन माने व्याकरण शास्त्रेन, इस व्याकरण शास्त्र के द्वारा उनको हमें अवश्य अनुविधेयः माने उनका व्युत्पत्ति पूर्वक सिद्ध करना ही पड़ेगा, संस्कार करना ही पड़ेगा। तद यथा दीर्घ सत्रवत की घटा रहे, तद यथा दीर्घ सत्रानी वार्ष शतिकानी वार्ष सहस्रिकानी च, सौ सौ साल हजार साल किए जाने वाले, न चात्यत्वे कश्चिदपि आहरति। महाभाष्यकार कह रहे हैं जब उनका जन्म हुआ था तब उस जमाने में भी इनको करने वाले कोई नहीं थे, अद्यत्व बने उस जमाने में, जब भाष्यकार लिख रहे उस समय, उनके समय में ही करने वाले नहीं थे तो आज कहां से पैदा होंगे। केवल ऋषि संप्रदाय धर्म इति कृत्वा, ऋषियों के संप्रदाय से आई हुई है, वही हमारा धर्म है, यह मान करके आपको पूरा वेद पाठ करते हैं, बल्कि उन वेद में पठित मंत्रों को हम कहीं भी प्रयोग कर ही नहीं सकते, क्यों कर्म करने वाले हैं नहीं तो प्रयोग कहां करेंगे उन मंत्रों को। लेकिन पूरा पाठ पढ़ते हैं क्यों, धर्म मान करके, मेरा धर्म है ये वेद पाठ करना, प्रयोग में आवे ना आवे। इति कृत्वा याचिका कि शास्त्र के द्वारा शास्त्रेण अनुविदते, फिर भी जो याज्ञिक लोग हैं अपने गुरु परंपरा के माध्यम से गुरु के मुख से संपूर्ण वेद को पढ़ते हैं। याद देखिए छह नंबर टिप्पण में आप जाइए, समा मासा अहोरात्रा स्थूल्या ब्राह्मण चोदिता इति गृह संग्रोक्ति। गृह कार्य का समा मासा अहोरात्रा, एक महीने को एक दिन रात में भी आप मान सकते, अहोरात्रा मासा समा कर दिया, तुल्या वो भी कहा जब ब्राह्मण भाग्य विधियों में ब्राह्मण चोदिता, ये ग्रीस सूत्रकार ने वेद का नियमन कर दिया है, जहां पर इतना लंबे से यज्ञ जब नहीं कर सकते हैं वह महीने को भी आप एक दिन रात में ले सकते हो, संवत्सर को भी एक दिन रात में गिन सकते हो। अब उसी के आधार पर जैमिनी कहते हैं देखिए, इति गृह सूत्रोक्ति आदित्यो वा सर्वऋतवः स यद्दैव उदेति अथ वसंतो यदा संगवोथ ग्रीष्मो यदा मध्यम दिनो अथ वर्षा यदा अपरोन्नो अथ शरत यदा अस्तमेति अथ हेमंत शिशिरौ इति ब्राह्मण मूलिकात्र प्रमाणम। तो एक साल में होने वाले छह ऋतुओं को एक दिन के सूर्य सूर्यास्त ने अपने ले लिया, एक दिन का सूर्योदय से सूर्यास्त के अंदर पूरी के पूरी को आप छह ऋतुओं को ले लिया, साल भर को गिन लिया, ये सब आधार है। तो जैमिनी सूत्र ने क्या कहा उसे आगे देखो, सहस्र संवत्सरम तद आयुषाम असंभवाद मनुष्येषु, इस पूर्व पक्ष सूत्र है, एक हजार साल मनुष्य में आयु हो ही नहीं सकता, तो संवत्सर सत्र न्याय कैसे करेंगे कोई। तब सिद्धांत कहता है अहान्य व अभिसंख्यात, ये सूत्र है जैमिनी सूत्र संख्या दिया 6-7, 31-40 तक एक अधिकरण में पूरा विचार किया 10 सूत्रों में, ये उसमें से एक सूत्र ये है अहानि व अभिसंख्यात बात, ये संवत्सराणि का मतलब है अहानि। यदि जैमिना भी सिद्धांतितम संगच्छति इति दादिमतः, प्रदीप में जाइए अभी, संप्रति अप्रयुज्य मानानां पूर्व प्रयुक्तत्वात् अनुशासनं कर्तुमित्याह, संप्रति भले प्रयुक्त नहीं है कभी न कभी कहीं न कहीं तो प्रयुक्त था किसी न किसी काल में, इसलिए उनके उन साधु शब्दों की सिद्धि करना अवश्य चाहिए, उनका अनुशासन अवश्य करना चाहिए। अप्रयुक्त थी ऋषि संप्रदाय थी मैंने वेदाध्ययन विद्यार्थ, जैसे वेदाध्ययन हमारा कर्तव्य है हमारा धर्म है, इसलिए उनका प्रयोग आवे नहीं आवे तो भी हमें पढ़ना ही पड़ेगा। हम बार बार कहते हैं आजकल क्या स्थिति है, 1 से 10वीं तक जो पढ़ते हैं बाद में कभी काम आता ही नहीं जिंदगी में कभी, क्यों जो 2×2 पढ़ा हमने पहाड़ा, जोड़ है प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ये चार को छोड़ के जिंदगी में अगर कोई चीज काम आता ही नहीं जो भी आपने स्कूल में पढ़ा है, लगभग नहीं आता, फिर भी 10 पढ़ना ही पड़ेगा नहीं तो डिग्री में कैसे जाओगे कॉलेज में कैसे जाओगे,
इस तरह से यहाँ पर भी भले हमारे काम में बाद में आवे नहीं आवे, हमें तो पढ़ना पड़ेगा, व्याकरण तो बनाएगा, सब शब्दों को बनाना ही पड़ेगा। इनके जो काम में आएंगे उतने को हम बनाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये संप्रदाय, ये परंपरा है हमारी। वहां पर उन्होंने भी कहा है, देखो उद्योतने वर्ष शब्द दिवस पर यथाश्रुते वबा, वर्ष शब्द दिवस पर लेना उद्योत में। सर्वे देशांतरे, सर्वे देशांतरे, ये सिद्धांत समाधान वार्तिक वास्तविक बोल दिया। न प्रयुक्त होने पर भी प्रयोगान्य भी है, और अप्रयुक्त होने पर भी दीर्घ सत्रादि के समान नित्य प्रयोग हमें करना ही पड़ेगा। अब सिद्धांत आरंभ होता है, सिद्धांत समाधान वार्तिक सर्वे देशांतरे, ऐसा कोई शब्द ही नहीं जो अप्रयुक्त होगा, सभी शब्द प्रयुक्त है, सर्वे प्रयुक्त। कहाँ आजकल तो कहीं दिखता नहीं, कहते देशांतर है, यहाँ नहीं तो कहीं और, वहाँ नहीं तो कहीं और, कहीं ना कहीं है, नहीं है ऐसे मत कहो। अरे इस लोक में तो कहीं परलोक में होगा, तुम कौन से लोग घूमोगे, कहाँ कहाँ देखोगे, कहीं ना कहीं है, चिंता मत कर, है मान लो, भले यहाँ नहीं है, तुम्हारे क्षेत्र में नहीं है, तो क्या हो गया। इसे कहते हैं सर्वे खलोप्येते शब्द देशांतरेश प्रयुज्यन्ते। क्या देश शब्द अनेक है, अनेक शास्त्र, एक शास्त्र में ढूंढा आपने नहीं मिला, कोई दूसरे शास्त्र में कहीं होगा। देशांतर मतलब शास्त्रांतरेशु, और सारे शास्त्र कोई पढ़ ही नहीं सकता, करोड़ों की संख्या में पुस्तक है संस्कृत में लिखा हुआ ग्रंथ, किन किन को पढ़ोगे आप, कहाँ कहाँ ढूंढ लोगे। इसे कहते हैं सर्वे खलु अपीयते, यहाँ भी खलु अपी मैंने निर्धावधारण अर्थ में, सर्वे पीयते शब्द विदान वेद देशांतरेशु मान ग्रंथांतरेशु च प्रयुज्यन्ते एव। प्रदीप इदमत्र तात्पर्य यस्य कस्यचित् वचनात् प्रयोग अप्रयोगो न व्यवतिष्ठेते अपितु शिष्टानामेव वचनात्। वास्तव में जो है जिस किसी के द्वारा प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है उसके आधार पर हम कोई व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते हैं। व्यक्ति नहीं है ना प्रमाण हमारे पास, सामान्य लोक व्यवहार में जो कहीं हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है उसके आधार पर हम कोई चीज को स्वीकार नहीं करेंगे, अपितु शिष्टानामे वचना, शिष्टों के द्वारा प्रयुक्त या अप्रयुक्त ही देखा जाएगा। शिष्ट मने पहले भी कई बार आ चुका है, शिष्ट किसको कहते हैं, वेद प्रामाण्य सती तद्वीत अनुष्ठातृत्व शिष्टत्व, वेद को प्रमाण मान करके वेद में कहावक जो अनुष्ठान करता है अपने जीवन में ढालता है लाता है कर्मादि, उसी को हम कहते हैं शिष्ट पुरुष। यानी कि बढ़िया कपड़ा पहन लिया, सेंट उंट लगा लिया, अपने ड्रेस ड्रुस कर लिया बढ़िया से, टिप टॉप रह रहा है, घड़ी जूता पहन करके, उसको नहीं हम लोग शिष्ट मानते। या पढ़ लिख लिया, डिग्रियां पा लिया और शिष्ट अपने आप मान ले, वो शिष्ट नहीं हमारे, वो सब भ्रष्ट है। शिष्ट का विरोधी शब्द क्या है, भ्रष्ट, सब भ्रष्टाचारी है, इसीलिए सब भ्रष्ट आचरण कर रहे हैं, न कोई शिष्ट है न शिष्ट आचरण कोई कर रहा है, क्योंकि वेद को प्रामाण्य मान नहीं रहे, और जब मान भी रहे हैं वेदों को पढ़ भी लिए हैं लेकिन वेद में कहो का अनुष्ठान अपने जो नित्य संध्या पूजा पाठ नहीं करते, वेद में जो उनके लिए कहो वर्णाश्रम अनुसार है ना, जो करना जो कर नहीं रहे तो शिष्ट कहे कहो, जब शिष्टत्व नहीं तो उनका आचरण शिष्टाचार कैसे होगा। इसे कहते हैं हम ये इतना करें शिष्टों के द्वारा प्रयोग हुआ था कि नहीं हुआ था, आज नहीं तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं। अजय शिष्टों से प्रयुक्त शब्दों की साधुत्व व्याकरण ने सिद्ध किया है, अजय भले आज उसका प्रयोग हो या ना उसे कोई लेना देना नहीं है। तब पूर्व पक्षी कहेगा नचे उपलब्ध, भले कभी जमाने में कहीं हुआ होगा हमें क्या मालूम, आज तो उपलब्ध नहीं हो रहा ना हमको, कहाँ दिखाइए आप बोलेंगे तो, अरे क्या क्या दिखाऊंगा तुमको, पढ़ लो सारे पुस्तक गिनाता हूँ, गिनती करना शुरू कर दे भाष्यकार यहाँ पर, उपलब्ध हो यत्ना क्रियता, अरे उपलब्ध नहीं हो रहा ऐसे चिल्लाने से नहीं होता, ढूंढो कहाँ है, ढूंढो नहीं ढूंढते हो गए, हमको सब कुछ लाके मुंह में खिलाते रहे, सब दिखाते रहे, हर चीज प्रमाण देते रहो तेरे को, यही होता है, खुद मेहनत करो। महाराज कहाँ मेहनत करूँ, ढूंढू कहाँ, ये मुझे पता नहीं, हर वहाँ ये जगह बता दूंगा, कहाँ ढूंढना बता दूंगा, बाकी तुम ढूंढते रहो,
कहाँ का ढूंढ रहा? महान शब्द से प्रयोग विषय, शब्दों के प्रयोग का विषय एक दो ग्रंथ नहीं, महान बहुत सारे। कुछ तो नाम कितना दीजिए, अरे क्या गिनाऊं? ये धरती जितनी लंबी चौड़ी है सब जगह ग्रंथ पड़े हुए हैं। जाओ ढूंढते रहो, पूरा दुनिया घूमो, पूरी दुनिया घूमिए, ढूंढिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्रंथ मिल जाएगा आपको जो ढूंढ रहे शब्द, यानी ढूंढना पड़ेगा। सप्त द्वीपा वसुमती, कोई कह मैं सारा पृथ्वी घूम लिया जी, पूरी सप्त द्वीपा वसुमती, त्रयो लोका, अरे ऊपर भी गया क्या स्वर्ग, नीचे भी गया क्या नरक तक, सभी लोग ढूंढ लिया तुमने? सब लोगों में संस्कृति से बात होती है, ढूंढ लो कहीं ना कहीं प्रयोग हो रहा होगा। त्रयोलोका चतर वेदा, यहां पर क्या तुम्हें चारों वेद भाज लिया अच्छी तरह से, ढूंढ ली चार वेद, ढूंढ लिया तो क्या हुआ? सांगा, उनके षडंगों को देख लो, एक एक अंग के भी कितने ग्रंथ हैं आपके, ज्योतिष के कितने ग्रंथ हैं, छंद शास्त्र के कितने ग्रंथ हैं, एक एक अंग के भी तो कई ग्रंथ हैं, उनको ढूंढ लो। सरहसिया, उनके उपनिषद है, सूत्र ग्रंथ है, सब में ढूंढ लो, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। बहुधा भिन्ना एक शत मध्वर्य शाखा सहस्र वर्तना साम वेद एक विंशति दावृच्यम नवदा अथर्वण वेद, उनमें भी एक शाखा पढ़ के तुम सोच लो हमने सब ढूंढ लिया वेदों को ना, जानते हो किस वेद में कितनी शाखाएं? कहते हैं देखो एक शतम अध्वर्य शाखा, अध्वर्य मने यजुर्वेद 100 शाखाएं हैं, सब पढ़ के देख लेना तब बाकी बोलना ये शब्द नहीं मिला हमको, कहीं ना कहीं मिलेगा तुमको। यजुर्वेद की 100 शाखा में नहीं मिला तो 1000 शाखा वाला सामवेद उसको देख लो फिर, उसे बड़ा कहां मिलेगा तेरे को, ढूंढो उसमें। उसमें भी नहीं मिला एक विंशति था 21 शाखा वाला ऋग्वेद है, 9 शाखा वाले अथर्ववेद है, इन सब के अलावा वाको वाक्य है, इतिहास है, पुराण है, वैदिक शास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, अथर्व, अर्थवेद, कितने गिनाओ तुमको, बहुत सारे शास्त्र है, सब प्रामाणिक शास्त्र है। उनमें तो हम साहित्य नहीं गिना रहे, भाषाकार ने इसलिए साहित्य नहीं बोले, भाषाकार साहित्यकार गड़बड़ सड़बड़ी लिख देते हैं, मतलब भाव प्रधान होता है उनका, अर्थ प्रधान है नहीं, गौण है। इसे कहते हैं कि देखो इतने ही नहीं इत्यादि बहुत सारे वैदिक वित्तीयतावान शब्द से प्रयोग विषय, इन सब ग्रंथों में बांस रहे ना कहीं हर शब्द मिल जाएंगे आपको, ऐसे नहीं कोई शब्द है ही नहीं प्रयोग में नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। एतावंतम शब्द से प्रयोग विषय अननुनिशम्य, एतावान शब्द से प्रयोग विषय अननुनिशम्य, मैंने अनुनिशमन नहीं किया आपने, खोजा नहीं, ढूंढा नहीं, अनालोच्य अविचार्य, इन सारे ग्रंथों को आलोचन करके विचार करके पढ़ लिख करके ढूंढ ढांड के तब तुम बोलो अमुक शब्द का प्रयोग कहीं नहीं मिला हमको। जैसे नारद जी ने कहा हमने सारे शास्त्र पढ़ लिया लेकिन एक पंक्ति का अर्थ अभी तक नहीं लगी हम, त्रिदिशो का आत्मवित, एक पंक्ति का अर्थ नहीं समझ में आया, सारा ग्रंथ पढ़ लिया मैंने, सबर समझ में आ गई, ये नहीं घट रही जिंदगी में, उधर से तुम्हारे दम है, सारे ग्रंथ पढ़ के बोलो अमुक शब्द का प्रयोग कहीं नहीं आया, व्याकरण ने क्यों बनाया है, तब तुम बोल सकते हो ना, सब ग्रंथ पढ़ के तब बताओ। वही कह रहे हैं येतावंतम शब्द से प्रयोग विषय अननुनिशम्य, अनुनिशमन न करते हुए, अनुशमन में अनुनिशमन क्या मतलब, विचारणा करना, पढ़ना, ढूंढना, देखना, अन्वेषणा किया वो पूरी ढूंढा नहीं मिला, तब तुम कह सकते हो संत्य प्रयुक्त इति वचनम केवलम साहस मात्र, बिना सारे ढूंढे संत्य प्रयुक्त ऐसा बोल देना तुम्हारे वचन साहस मात्र ही है, मैंने बकवास है, कोई तात्पर्य नहीं इस वचन में। कारण का तात्पर्य क्या, मुख्य सिद्धांत में अप्रयुक्त कोई शब्द ही नहीं है, सर्वे शब्द प्रयुक्त एव, ये सिद्ध। वाको वाक्य शब्द का अर्थ क्या, वाको वाक्य शब्द है ना उक्ति प्रत्युक्ति रूपो ग्रंथ उच्चते, उक्ति और प्रत्युक्ति रूपी शास्त्रार्थ वाले जितने भी है जल्प वितंड आदि वाले
जितने भी ग्रंथ है ये सब वाक्य वाक्य ग्रंथ में आ जाता है। यथा किंचित आवपनम महत भूमिरावपनम महत, जैसे किसने कहा अरे भाई आवपन करना है, महान कार्य कहाँ हो सकता है, ऐसे कौन सा आवपन कार्य जो महान है, कहते भूमि का ही आवपन करना सबसे महान कार्य है, प्रत्युक्ति दिया ना उसने। इस प्रश्न जवाब रूपा शास्त्रार्थ जो चले जहाँ ऐसे जितने ग्रंथ का नाम वाक्य वाक्य ग्रंथ है। पूर्व चरित्र संकीर्तनम इतिहास, इतिहास क्या है, पूर्व जो घटित घटना है चरित्र है उसी का कथन करना, अघटित घटना की कल्पना नहीं, घटित घटना को ही कथन करना, महाभारत और रामायण इतिहास ग्रंथ है। वंशादि अनुकीर्तनम पुराणम, पुराण क्या है, अनेक वंशों का वर्णन करना, वंश अनुवंश तदर्थ जो है भगवान के चरित्र जितने भी भक्तों के चरित्र ये सब उसमें आज चतुर्थ वंशों में, अधिकतर कौन दो ही वंश लिया सूर्यवंश और चंद्रवंश, उनका वर्णन करते हैं सब पुराणकार ने, ये कहते ये पुराण का लक्षण उन्होंने एक तरह से बता दिया। वंशादि अनुकीर्तनम पुराणम एतस्मिंश्च अति महति शब्दस्य प्रयोग विषये तेते शब्दाः तत्र नियत विषयाः दृश्यन्ते। एतस्मिंश्च अति महति शब्दस्य प्रयोग विषये, शब्द के प्रयोग का क्षेत्र देश जो ग्रंथ समूह बहुत विशाल है, अति महति तेते शब्द तुम चार जो गिना रहे हो यही ने और भी जितने भी तुम्हारे दिमाग में अप्रयोग समझ में आ रहा है वो सब के सब तत्र तत्र नियत विषय दृष्टि, किसी न किसी ग्रंथ जगह जगह पर आपको नियत अर्थ में ही प्रयोग हुआ आपको जरूर मिलेगा। तद्यथा जैसे शवति गति कर्मा कंबोजु एव भाषितो भवति विकार एनम आर्या भाषन्ते शव इति, ये शु धातु है जिसका शव रूप बनता है और उस रूप को लोगों ने कंबोज देश के लोगों ने गति कर्मक रूप में प्रयोग किया, और यह आर्य लोग क्या है उसको शव माने मुर्दा अर्थ में ले लिया मरा बॉडी, उन्होंने गति कर्मक रूप में प्रयोग कर दिया, और इन्होंने क्या कर रहे हैं अगति वाले में प्रयोग कर दिया, कंबोज देश वाले और आर्य देश जो देशों में एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ में प्रयोग हो रहा है, लेकिन तत्त देश तत्त अर्थ में नियत है वो, इसे हम बार बार इसलिए कहते हैं यहां साला को तो मारपीट हो जाए और बंगाल में जाओ साला तो बड़ा बहुत अच्छा शब्द है, इससे बढ़िया आदर वाला शब्द ही नहीं उनके यहां, साला नहीं बोलेंगे तो नाराज हो जाएंगे लोग, हमें कोई मान सम्मान नहीं, और यहां ऐसे बोलो तो लठ बजा देंगे, शब्द वही है अलग अलग अर्थ में प्रयोग है और दोनों अर्थ अपने परिचर नियत भी है, ये आज भी देख सकते हैं लौकिक भाषाओं में भी ये हाल है, पहले भी ऐसे ही था, इसलिए पहले जमाने का दृष्टांत दे रहे संस्कृत का दे रहे हैं, जैसे शवत्यर गतिकर्मा कंबोज एव भाषित मतलब कंबोज मात्र में ऐसे था, लेकिन अन्य तरह की आर्यों आर्यों ने शवैति हम्मति ही स्वराष्ट्रों में रंगति ही प्राच्य मध्येशु गमिम एव तु आर्या प्रयुंजते, वो हम्मति और रंगति की जगह पर क्या है गच्छति का ही प्रयोग करते हैं, रंगणाधिकरण का अधिकरण ये ब्रह्मसूत्र में रंगति शब्द प्रयोग किया भाषण सूत्र में ब्रह्मसूत्र में है, रंगति शब्द आया हुआ है रंगणाधिकरण उसको बोलते भी हैं, हाँ तो इस तरह से ये शब्द प्रयोग में नहीं है ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं मिलेगा आपको शास्त्र में। दातिर लवणार्थे प्राच्येषु पूर्व दिशा के लोग जो है दाति शब्द को लवण करने के लिए प्रयोग करते हैं, और दात्रम उदीचेशु उत्तर वाले दात्रम प्रयोग करते हैं, दाती भी नहीं बोलते हैं, और आज दाती भी नहीं दात्री भी नहीं दरांती हो गया, दरांती बोलते हैं ना उसको दरांती हसिया शब्द वही, देखो कहीं ना कहीं कुछ अपभ्रंश करके भले प्रयोग हो रहा है अर्थ उसी में है, लेकिन काटने अर्थ में ही प्रयोग हो रहा है, काटने का साधन है वो। इस तरह से देश देशांतरों में संस्कृत के ही एक ही धातु के अंदर बने वाला अलग अलग रूप को एक ही अर्थ में भी प्रयोग हो सकता है, अन्य अर्थ भी प्रयोग हो सकता है, ऐसा व्यवहार चलता है, इसके लिए जो भी शब्द बनाया गया वो अर्थ विशेष में रूढ़ करके हम प्रयोग कर देते हैं और अन्य अर्थ में गौण कर दिया जाता है, गौण प्रयोग हो सकता है
या मिथ्या प्रयोग भी हो सकता है, रूढ़ एक अर्थ हो जाता है और अन्य अर्थ भी स्वीकृत है इसके लिए। प्रदीपकार विकार है थी, जीव तो मृतावस्था विकार या विकार में प्रयोग किया मतलब क्या, जीवित व्यक्ति के जो मृतावस्था है उसमें शव प्रयोग होता है आर्यो में, और जो जाने के लिए शवती बोल दिया वो जा रहा है। आप कहते देवता ग्रामम गच्छति, वो कहेगा देवता ग्रामम शवती बोलेगा गच्छति के जगह पर, आप शवती बने मरने की बात कह देंगे, अरे क्या बोल दे उसने, देवदत्त गांव जा रहा है मरने के लिए, एन आपने मरने अर्थ भले ही लीजिएगा लेकिन उन्होंने जो प्रयोग किया जाने अर्थ में प्रयोग किया, कंबोज देशी आदमी है। इसे कौन सी देश वाला, कई बार होता है ना ट्रेन में आजकल तो सारे देश वाले इकट्ठे घूमते रहते हैं, सब प्रांत वाले, कौन किस भाषा में बोल रहा है समझ के समझना पड़ता है, इस पर लड़ाई झगड़ा हो जाए वहां पर, कोई बंगाली बंगाली बैठा हो साला बोल दिया तो हम नाराज हो जाओ, तो थोड़े चले तो बंगाली है वो तो अपनी भाषा बोलेगा, वो तो आपको आदर दे रहा है, वो आप उसको थप्पड़ मारने लगोगे तो गलत है, वो तो उसके अपनी भाषा से दे रहा है ना आदर, और समझना पड़ता व्यक्ति कहाँ कहाँ उन किस अर्थ में शब्द का प्रयोग कर रहा है। जब अनेक देश वालों का आपस में घूमना होता है फिर वहां पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है व्यवहार के लिए, जब कोई शब्द बुरा लगे तो आप उसको उपेक्षा करना पड़ता है, आप उसको बुद्धि से ग्रहण करो तो दिक्कत हो जाएगी। इसे कहते हैं चलता है इस तरह के लोक व्यवहार पहले से ही चला आया हुआ ये चीज। ये जब पिएते भवतो अप्रयुक्त अभिमता शब्द एते शब्द प्रयोग दृश्यते, इतना ही नहीं जिन चार को तुमने गिनाया उनमें से भी कुछ को मैं बता ही दूंगा, वेद में बताऊंगा कहाँ प्रयोग हुआ है, भूष आपने कहा 13, इनका प्रयोग मैं दिखाऊंगा। ये जब ये भवतो अप्रयुक्त अभिमता अप्रयुक्त करके आपके स्वीकृत शब्द हैं एते समय प्रयोगो दृश्यते, उनका भी प्रयोग अन्यत्र हम आपको दिखा देंगे, वेद में ही दिखाएंगे। क्वा पूर्व पक्षी पूजक कहा दिखाओगे जी, कोई साहित्य में तो नहीं, नहीं नहीं वेदे वेद में दिखा रहा हूं, सिद्ध करने के लिए तू पूरा वेद आदि भी पढ़ा लिखा है नहीं, यूं ही बोल पड़ा अस्थि अप्रयुक्ता करके, जान के भाषकर वेद के दृष्टान दे रहे। तद यथा यद वो रेवती रेवती अंतम उषा यन्मे नरा श्रुत्यम ब्रह्मचक्र यथा नश्चक्रा जरसन तनु नाम, ये वेद के मंत्र है। यद वो रेवती ही रेवत्यंतम उषे, उषे प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ, उषा तुम प्रयोग नहीं बोल रहा, देखो यह प्रयोग है। यन्मे नर श्रुत्यम ब्रह्मचक्रे, देखो चक्र प्रयोग हो गया, यत्रानश्चक्रा जरसंतनूनाम, यजुर्वेद का है भी अभी चक्रा प्रयोग हुआ। इति इस प्रकार से शब्द विषय प्रदर्शनाधिकरण पूरा हो गया, शब्द भले आप दृष्टिकोण से प्रयुक्त हैं इन वास्तव में उनका प्रयोग कहीं ना कहीं हुआ है, इसे कोई अप्रयुक्त शब्द है ही नहीं, इसे अप्रयुक्त शब्द की सिद्धि के कारण से व्याकरण में अप्रामाणिक दोष भी नहीं रहा, व्याकरण प्रामाणिक है, भले वह शब्द आपके दृष्टिकोण से प्रयुक्त हो या न हो यही मान के चलते हम सब शब्द प्रयुक्त है, प्रयुक्त शब्दों की साधुत्व सिद्धि उनके अपभ्रंश को रोकने के लिए व्याकरण के शास्त्र लक्षणों को बनाया है, सूत्रों को बनाया है, ये सिद्धांत सिद्ध हो गया। अब विचार होता है इसके बाद व्याकरण पढ़ने से पुण्य होगा या व्याकरण पढ़ के शब्द का प्रयोग करने से पुण्य होगा या केवल प्रयोग करने से पुण्य होगा, व्याकरण पढ़े बिना प्रयोग करो संस्कृत को क्या फर्क पड़ेगा, कहने का मतलब पूछने का मतलब बोलने से पुण्य होता है या व्याकरण पढ़ने से पुण्य होता है, ना बोलूं भले ही व्याकरण से शब्दों से सिद्ध कर लिया पढ़ लिया लेकिन प्रयोग में नहीं ला रहा हूं तो पुण्य होगा कि नहीं होगा, और व्याकरण पढ़ा लिखा नहीं चल प्रयोग कर रहा हूं संभाषण शिविर चले गए सीख लिया और दर्द से बोलना आ गया कि उसे पुण्य होता है क्या, या शास्त्र पढ़कर बोलने से ही पुण्य होता है, व्याकरण पढ़कर बोलने से ही पुण्य होता है। तीन ही पक्ष हमारे पास है, पहले दो खंडन करके अंतिम पक्ष लेंगे उसका आरंभ होगा।